हेलो वियर्स, मैं सोया और स्वप्न में देखा कि जीवन आनंद है, जीवन खुशी है। मैं जागा तो मैंने पाया कि जीवन तो कर्म है, सेवा है, और सेवा में खुशी व कर्म में आनंद छिपे हैं। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। खुश मिजाज रहने में आने वाली दो मुख्य बाधाएं, अतीत का हम पर हावी होना और अन्य लोगों का तुलनात्मक अनुसरण करना। कोई कार्य मुश्किल नहीं है अगर आपका विश्वास मजबूत है और आपका उद्देश्य सच्चा है। इसलिए कभी भी हार न माने और यात्रा को तब तक जारी रखें जब तक जीवन में आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि जीवन विश्वास से चलता है और विनम्रता से उसको जीता जाता है। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और विफलता से सीखने का परिणाम है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। नफरत को हजार मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तन हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। कल से सीखें, आज के लिए जिएं, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं होता कि हम बार बार यह आशा करें कि सब कुछ अच्छा हो, बल्कि इसका अर्थ यह स्वीकार करना है जो हो रहा है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। जब ना समझ थे तो ख्वाब हमारी मुट्ठी में बंद थे, समझ आई तो ख्वाबों ने हमें मुट्ठी में बंद कर लिया। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, स्वार्थ कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। बुद्धिमान लोग हर चीज और हर किसी से सीखते हैं। औसत लोग अपने अनुभवों से बेवकूफ लोगों के पास पहले से ही सभी जवाब होते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। आखिरी सांस तक लड़ने वालों को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर देता कोई और है। खूबसूरती उसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम व्यवहार कैसा करते हैं। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। डर हमेशा एक कैदी बनाकर रखेगा, जबकि खुले विचार आपको बादशाह बना देंगे। संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है, और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। धीरज रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की हर नदी को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो,
उनमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर चिंतित भी हो जाते हैं।